हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ई ट्यूटोरियल ऑफ विनायक इंटरमीडिएट कॉलेज खजुराहाट। फ्रेंड्स, माय नेम इज धनंजय तिवारी एंड आई विल टीच यू टुडे क्लास 12th फिजिक्स। फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट रेदर देन एट एन इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन। मीन्स किसी भी बिंदु पर किसी वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जबकि ये बिंदु आपका अच्छे और निरच्छे स्थित से हटकर है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे स्थित और उसके पहले में हम लोग पढ़ चुके हैं निरच्छे स्थित। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को मिलाकर बना हुआ है। अब हम माने कि इस वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जो कि इसके अक्ष अथवा निरक्ष से हटकर है। हम इसके लिए मान लेते हैं कि ये जो लाइन OP है, अर्थात O से बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है, यह द्विध्रुव से थीटा कोण बना रही है। द्विध्रुव से कितना कोण? थीटा कोण बना रही है। अब हम मान लिया कि वैद्युत ध्रुव का जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है वो P है, तो P को हम OP के अनुदिश और OP के लंबवत, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमारा O है, ये हमारा P है, ये O है, तो अगर हम OP के अनुदिश और OP के लंबवत दो घटकों में वियोजित करें तो OP के जो अनुदिश घटक बनेगा वो बनेगा P cos थीटा और OP के लंबवत घटक जो बनेगा वो बनेगा P sin थीटा। तो इस प्रकार से हम पाएंगे कि ये अगर हम वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण को दो घटकों में वियोजित करते हैं तो हमारा OP के अनुदिश घटक यानी OP के एलांग जो घटक बनेगा वो बनेगा P cos थीटा, OP के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा P sin थीटा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा P cos थीटा इस वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के जो P cos थीटा है क्षैतिज घटक बन रहा है, अर्थात यह वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति को दिखा रहा है और हम माने कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो हम जानते हैं अच्छे स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2P by 4 pi epsilon 0 into R3 होता है। हमारे पास यहाँ P के बदले P का कंपोनेंट जो है P cos थीटा है, तो E1 इक्वल्स अच्छे स्थिति वाली कंडीशन के लिए हमारे पास E1 इक्वल्स हो जाएगा 2P cos थीटा by 4 pi epsilon 0 into R3। ये हो जाएगा हमारा along PQ अर्थात P से Q की ओर। अब अगर हम लोग इसके वर्टिकल कंपोनेंट की या जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं या ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो हमारा ये क्या है, ये पी के लंबवत बन रहा है, अर्थात ओपी के लंबवत बन रहा है जो कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति को दिखाता है और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है पी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पी के स्थान पर क्या लिया जाएगा, इसका लंबवत कंपोनेंट जो बनेगा अर्थात परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बनेगा पी साइन थीटा वो यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो हमारे पास इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E2, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E2, ये E2 इक्वल्स हमारे पास हो जाएगा पी साइन थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब अलोंग पी आर, ये हमारा पी से आर की ओर बनेगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पी से आर की ओर। अब अगर हम लोग देखें तो यह E1 और E2 परस्पर परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो टोटल कंपोनेंट होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। हम यहाँ पर E1 की वैल्यू रख दिए 2P cos थीटा बाई 4π एप्सिलॉन 0 इनटू आर क्यूब स्क्वायर है, तो यहाँ होल स्क्वायर कर दिए। हमारे पास E2 का मान जो है उसकी वैल्यू पुट कर दिए, E1 और E2 की वैल्यू पुट करने के बाद अंडर रूट लगा दिए। अब अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो पी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब ये दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो इसको हम बाहर कॉमन ले, देखिए यहाँ स्क्वायर है, अगर यहाँ अंडर रूट लगा है, अगर हम बाहर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अर्थात हमारा बाहर आ जाएगा पी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ये हमारा कॉमन हो गया। बचा कितना, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर अर्थात हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस P
पी साइन थीटा का होल स्क्वायर अर्थात हो गया, सॉरी पी नहीं, यहाँ बचा साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम देखें तो हम जानते हैं इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं थ्री कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इस मैटर को यहां से उठाओ ऐसे देखिए थ्री कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन, तो इस पूरे का मान हो गया वन, तो हमारे पास बचा कितना थ्री कास स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं पी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये इतना, और इस पूरे के बदले कितना हो गया थ्री कास स्क्वायर थीटा प्लस वन, अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगा दिए, तो हो गया अंडर रूट थ्री कास स्क्वायर थीटा प्लस वन। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई कितना पी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट थ्री कास स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बिंदु पर किसी वैद्युत ध्रुव के कारण, जबकि यह बिंदु उसकी अच्छी अथवा निरक्षीय स्थिति से हटकर है। अब हम लोग निकालेंगे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम मान लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है यह इस से अल्फा कोण बना रहा है, इसके मिड पॉइंट से अर्थात ओपी केंद्र से अल्फा कोण बना रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट लिया जाएगा अर्थात अगर हम लोग यहां लिखें टेन अल्फा, तो टेन थीटा इक्वल्स हमारे पास होता है लंब बटा आधार, अर्थात अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल्स ई टू बाई ई वन, और हमारे पास टेन अल्फा इक्वल्स हो जाएगा ई वन, ई टू की वैल्यू रख दिए पी साइन थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, और इंटू देखिए ई वन की अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे हो जाएगा टू पी कॉस थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, लेकिन ये पहुंच जाएगा यहां, तो इसको हम लोग देखेंगे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, पी पी कैंसिल कर देगा, बचेगा वन अपॉन टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा, तो हमारे पास टेन अल्फा इक्वल्स हो गया हाफ टेन थीटा। ये आ गई डायरेक्शन, हम लोग यहां पर थीटा की वैल्यू यूज करके, थीटा की वैल्यू जीरो से 90 तक यूज करके या किसी भी पॉइंट तक यूज करके हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं, ये इसकी डायरेक्शन को बताएगा।